प्यार के, आप हमें देख रहे हैं ना, हम कितने हैं, दो। तो दो पल, हम बहुत ऐसे पल बिताते हैं दो दो पल करके, इसलिए इन्होंने जो है इस फिल्म का नाम दो पल रख दिया है। तो दो पल में एक ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब एक अलग हटके, मतलब ये एक स्टोरी बनाई है कि बहुत सारी फिल्में आती हैं और स्टोरी कहीं ना कहीं कुछ मैच होती हैं, बट ये दो पल प्यार की जो स्टोरी है वो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर हैं पार्थो घोष जी, वो उनकी स्टोरी में इतना दम रहता है कि वो अलग हटके ही पिक्चर बनाते हैं। तो ऐसे ही मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि फिल्म का नाम जो है दो पल, स्टोरी भी ऐसी है, कुछ बहुत सारे ट्विस्ट हैं उसके अंदर, जैसे कि इन्होंने मतलब बहुत अच्छी तरीके से पिक्चराइज करवाई, तो बताएंगे मुझे। एक्चुअली कभी भी टाइटल हमेशा स्टोरी को जस्टिफाई करने वाला होना चाहिए। सो हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशंस किए, बहुत सारा कुछ सोचा, तो दो पल प्यार की हमारी स्टोरी पे एकदम कम्प्लीटली, क्योंकि जो स्टोरी हमने दिखाई है हीरो हीरोइन के बीच का, जो हम लोगों ने एक स्ट्रगल दिखाया है प्यार को लेकर, वो स्ट्रगल बहुत ही ऐसा है कि वो दोनों कैरेक्टर दो पल प्यार के लिए तरसते हैं, मतलब थोड़े से प्यार के लिए तरसते हैं, क्योंकि फैमिली बाउंडिंग बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ उनको उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो टाइटल है हमारा दो पल प्यार के, ये जस्टिफाई कर रहा है हमारी स्टोरी को, और एक लोगों की नज़र में, मतलब लोगों के दिलों में एक रजिस्टर इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, क्योंकि हर इंसान अपने लाइफ में सिर्फ दो पल चाहता है जो प्यार से बीते। So basically, which was the one thing to produce this movie? The major thing is that because I just wanted to come in the Bollywood industry because of Mukesh, because he's a keen industry to act in the Bollywood industry. So I came and I completely successfully complete the last one, and this one also I completely successfully completed. So for Dopal Pyar Ke is just a major part of this is music part, because Bappida is there. So I'm keen interested for the music part, so that's why it's in my excitement it's completed now. So basically every actor has this struggle of story, so what's your struggle of story? Dekhiye maine to bahut struggle kiya really is Mumbai shahar ke andar bahut struggle kiya, kyunki main koi bahut koi badi background nahi hai meri, aur jaise maine aapko bataya tha ki ek martial art se juda tha main, aur aaj bhi juda hu, और लोगों को सेल्फ डिफेंस सिखाने में बहुत सारा समय बिताया मैंने, और बहुत सेल्फ डिफेंस सिखाया मैंने वुमेंस को। आपने बहुत सारे न्यूज़ पे देखा होगा कि जितनी भी हमारे मुंबई की जो महिलाएं हैं उनको मैंने काफ़ी सेल्फ डिफेंस सिखाया मैंने यहाँ पर। तो बस उसी सिखाते सिखाते फिर ऐसा लगने लगा कि बॉलीवुड में जो है एंट्री मारना चाहिए, तो बहुत कोशिश की कि मुंबई के अंदर एक अच्छी फिल्म जो है मिले, जिसमें मेरी चाहत थी कि मैं एक बड़े पर्दे के पे लीड हीरो बन के आऊँ, बट इस मुंबई के अंदर बहुत आसान नहीं है कि एक हीरो बन के और आप आ जाएँ विदाउट स्ट्रगल करके या। तो फिर ऐसे ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस भाई एक अच्छी स्टोरी बनाई जाए और इसको एक अलग हट के समथिंग पिक्चर हो कि लोगों को पसंद आए। तो स्टोरी बहुत अच्छी मिल गई थी, मेरी फर्स्ट मूवी थी काश तुम होते, उसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी मिली हमारे राइटर के साथ, इनका बहुत अच्छा मतलब मीटिंग हुई, तो डिसाइड किया कि फिर ये पिक्चराइज किया जाए। तो हम लोग कश्मीर में शूट की इसको लेकर, तो बस वो फर्स्ट मूवी लोगों को बहुत पसंद आई, और फिर दूसरी पिक्चर का भी तैयारी करी हम लोगों ने। हमने कहा ठीक है, अभी फर्स्ट पिक्चर लोगों को पसंद आई तो दूसरी भी बनाई जाए। तो इसी तरीके से इन्होंने मंजू जी ने कि दूसरी पिक्चर की स्टोरी एक राइटर को लेके मीटिंग की और मतलब लिखाई काफ़ी समय इसकी स्टोरी। वैसे भी बॉलीवुड ऐसी फील्ड है ना कि जहाँ सिर्फ एंट्री है, एग्जिट तो है ही नहीं, और यहाँ पे हमेशा एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहती हैं कि हो सकता है लास्ट टाइम हमने कुछ कमी कर दी हो, तो इस बार हम कुछ अच्छा बेटर करें। तो डेफिनेटली जो एक बार यहाँ एंट्री कर लेता है तो उसके लिए कोई एग्जिट नहीं है। वैसे भी एक मूवी, दो मूवी, तीन मूवी, एक दिस इज द लर्निंग प्रोसेस। यस यस यस, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, और इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े स्टार हैं और बड़े बड़े परफॉर्मर हैं, और मैं भी एक अच्छा परफॉर्मर बनना चाहता हूँ, एक अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ, बट उसी जब अच्छा परफॉर्मर अच्छा एक्टर मतलब फिल्म देखने जाएं तो लोगों का एक कहते हैं ना पैसा वसूल, वो होना भी चाहिए लोगों का। तो उस तरीके से मतलब इस पिक्चर के अंदर जो पिक्चर रिलीज़ होने वाली है, इसमें पूरी
मतलब एंटरटेनमेंट है, जैसे सबसे मेन चीज़ तो क्या म्यूज़िक प्लस है इसमें, बहुत अच्छा म्यूज़िक है, और जिस फिल्म का म्यूज़िक अच्छा होता है तो उसके गाने हिट हो जाते हैं, तो लोगों को पसंद आते हैं, तो उससे पिक्चर भी हिट हो जाती है। पर मुझे बहुत उम्मीद है कि मेरी फिल्म के गाने जो हैं हिट हों और लोगों को पसंद आए, तो फिल्म हिट हो और लोग फिर मुझे भी जाने। जैसे कि यू सेड के यू आर द बिग फैन ऑफ अक्षय कुमार एंड यू हैव वर्क विद हिम, सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम? देखिए अक्षय कुमार जी, मैं अपने शायद अक्षय कुमार जी की पिक्चर देखी होंगी कि अक्षय कुमार जी की हर एक फिल्म में उनका गाने, सारे गाने हिट होते हैं, और माशाल्लाह उनका जो मतलब एक एक कॉमेडी है और जो उनका एक्शन है और जो गाने में वो डांस करते हैं वो एक अलग हटके करते हैं, लोगों को पसंद आता है। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं अक्षय कुमार जी से जैसा करूं या मैं उन जैसा कर लूँगा, बट उन जैसी कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं कहीं ना कहीं वो खूबी अपने अंदर लेके आऊँ। ये जो दो पल प्यार की जो आपकी मूवी है, तो ये रियल लाइफ से इंस्पायर है, आप दोनों के साथ भी ऐसे कुछ हुआ है या फिर? हमारे नहीं, तो कुछ नहीं, कम्प्लीटली बॉलीवुड बेस्ड ही है, सिर्फ इमेजिनेशन है और ऐसा कुछ रियल नहीं है इसमें। ओके, सो फाइनली आप ऑडियंस को कहना चाहेंगे व्हाई शुड दे वॉच दिस मूवी? ऑडियंस को यही कहना चाहेंगे कि एंटरटेनिंग प्रोजेक्ट है और बहुत मेहनत के साथ बनाया है, एंड हार्डवर्क ऑलवेज पे, सो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, और एक फ्रेश स्टोरी है और बहुत ही अमेजिंग डायरेक्टर पार्थो दा ने इसको डायरेक्ट की है, बहुत प्यारा म्यूज़िक है, बप्पी दा का म्यूज़िक है। तो जब हम अभी तो बहुत बेबी स्टेप पे हैं बिकॉज फिल्म अभी पोस्ट में है, बट जब प्रमोशन इसका शुरू होगा तो डेफिनेटली आपको जाने के लिए मजबूर करेगा इस फिल्म का म्यूज़िक, इस फिल्म के सीन्स आपको खुद अट्रैक्ट करेंगे, तो बस आप जाइए। और बस यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप थिएटर से निकलेंगे तो गुनगुनाते हुए ज़रूर निकलेंगे दो पल प्यार के इस तरीके से। और ये दो पल प्यार के जो टाइटल है ना, बिल्कुल अलग ही हटके, आपने देखा वो एक कैची टाइटल लगता है, हम लोगों ने तो टाइटल देख के ही मतलब डिसाइड कर लिया था कि ये दो पल प्यार के और इस पर पिक्चर बनाते हैं, क्योंकि अलग कोमल नाडा जी का एक वो आता है ना ETC पे, टाइटल फिट तो पिक्चर हिट, तो यही है कि टाइटल फिट है तो पिक्चर ऑब्वियसली हिट होगी। टाइटल की बात करें तो ये टाइटल किसके दिमाग में आया था आप दोनों से? टाइटल सबके दिमाग में थोड़ा थोड़ा आया, बट मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे आप देख रहे हैं कि हम दो हैं, तो हम दो पल बहुत सारे बिताते हैं, तो फिर हमने कुछ तो मतलब माइंड में ही आया था कि नहीं यार दो पल इंसिडेंसली हो जाते हैं, बहुत सारे टाइटल हम डिसाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई जो सोचते हैं कभी वो नहीं होता, कभी सोचते हैं वो नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत जल्द एक इस पिक्चर के बाद एक बहुत बड़ी फिल्म है जिसमें मैं लीड में बहुत जल्द लोगों को नज़र आऊँगा, वो एक सस्पेंस है, बट इस पिक्चर के बाद एक बहुत बड़ी फिल्म है जिसमें हो सकता है कि अक्षय जी के साथ मैं आप सबको दिखूंगा, और वो फिल्म का नाम है C60, जो हमारे मुंबई के जो कमिश्नर ATS चीफ रह चुके हैं KP रघुवंशी, उनके ऊपर जीवन के ऊपर ये पिक्चर है, और अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो बहुत जल्द इसकी अभी शूट का प्लान चल रहा है, तो बस ये भी मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि अक्षय जी के साथ मुझे काम करने का चांस मिलेगा, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू।